समर्थक विधायकों की संख्या 45 से घटकर 34 पर आ गई है, उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा है, हताशा है और मुख्यमंत्री समेत वो सभी नेता निराशा हताशा के कारण इतनी बौखलाहट में है कि वो आए दिन निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर और उनको छोड़कर गए विधायकों पर बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वो विधायक बिक गए, कभी कहा जाता है वो विधायक काले नाग निकले, काली भेड़े निकली, कभी उनको मेंढक की संज्ञा दी जाती है, परंतु असली वजह, असली कारण पर कांग्रेस पार्टी के नेता आंखें मूंद कर बैठे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं, विशेषकर मुख्यमंत्री, जो निराधार तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं उनसे वो वाज आए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर के नेता को बिना तथ्यों के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। या तो वो अपने आरोप के साथ, अपने आरोपों के साथ प्रमाण दें, तथ्य दें, अन्यथा वो इस बयानबाजी को तुरंत बंद करें। वो इस बात को समझे कि क्या कारण रहे कि उनकी पार्टी इस कदर विघटित होती चली गई कि आज उनके विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई। अब वो विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं और खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से कहा है कि वो इस सरकार की एक साल की नीतियों से परेशान थे, तंग थे और मुख्यमंत्री महोदय की कार्यशैली ने उन्हें इस कदर विवश किया कि वो उस पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो गए जिसमें उन्होंने अपने जीवन जो है वो पूरा व्यतीत किया था। आप सब जानते हैं, उन्होंने ओपनली कहा कि इस सरकार ने एक साल में अपने चुनावी वायदे पूरा करना तो दूर, अपनी गारंटियों को पूरा करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा जब जब वो सवाल उठाते थे उसे टाला जाता था। यही नहीं, इसके अलावा विधायक निधि को रोकना, विकास कार्यों को रोकना और विधायकों के माध्यम से होने वाले छोटे छोटे कामों पर भी जो है वो रोक लगा देना, ये वो कारण थे जिसके कारण वो लोग विवश। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री महोदय को दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए कि क्या कारण कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी पार्टी के विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसलिए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो तथ्यहीन आरोप लगाकर, निराधार बयानबाजी करके जनता के बीच हास्य का पात्र ना बने। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है, इस तरह हर तरह की घटिया संज्ञाएं देकर विधायकों को अपमानित करना बंद करें। विधायक कोई व्यक्ति ही नहीं, विधायक एक संस्था है,
वो ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके विधायक की उस संस्था को जिसके वो भी सदस्य है उसको अपमानित कर रहे हैं और उस जनता को अपमानित कर रहे हैं जिसने विधायक को चुना है। और विधायक अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, जब उनको लगता है कि वो जीत जाने के बाद सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा पा रहे, अपने कार्यक्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे, जिन वायदों को लेकर वोट लिए थे उन वायदों को पूरा नहीं करवा पा रहे, तो अंत में जाकर इसके लिए उनको मजबूर हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस भी ना पहुंचाए और जनता के बीच हास्य का पात्र भी ना बने। हमारा मानना है कि यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज देश भर में आकर्षण देश भर से कांग्रेस पार्टी के नेता, अन्य विपक्षी दलों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देशहित और जनहित में अनेक नीतियां बनाई और अनेक विकास के नए आयाम खड़े किए। आज देश का हर आदमी जानता है, आज ये देश अगर हर क्षेत्र में विकसित हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान खुलने की बात है, चाहे वो रेलवे लाइन के विस्तारीकरण की बात है, चाहे वो गरीब लोगों के हित में चलाई गई अनेक योजनाओं की बात है, मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। यही नहीं, इस देश को दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति खड़ा करके इस देश का दुनिया में नाम रोशन किया। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की गंभीर समस्याओं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, धारा 370 समाप्त करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद को कुचलने का काम किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, उससे इस देश की जनता में मोदी सरकार के प्रति आकर्षण बढ़ा। और वही कारण है कि अनेक पार्टियों के जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करती हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका भविष्य भी तभी सुरक्षित है जब देश का भविष्य सुरक्षित है, उनका भविष्य भी तभी उज्जवल है जब देश का भविष्य उज्जवल है। इसलिए अपने और देश के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस दृष्टि से अगर हिमाचल के भी 6 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं। हालात तो ये बने हैं कि और भी कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मोदी सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है, श्रद्धा बढ़ रही, और विशेष रूप से जो सनातन को बढ़ाने का काम, सनातन के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने का काम हमारे देश के लोगों की आस्था के केंद्रों को विकसित करने का काम मोदी जी ने किया, विशेष रूप से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके जो विश्वास लोगों के मन में पैदा हुआ है, वो भी एक कारण बन रहा है कि बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। और जिन पार्टी के नेताओं ने
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया। उस बात को तो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी अच्छा नहीं समझा, और वो भी एक कारण है कि देश भर के नेता अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और हिमाचल प्रदेश में इन विधायकों का आना भी उसका एक कारण है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो 3,000 विधायकों ने त्याग पत्र दिए, उन त्याग पत्रों को स्वीकार ना करना उसको असंवैधानिक मानती है, वो गैर कानूनी है, क्योंकि जब कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से पेश होकर त्याग पत्र देता है तो संवैधानिक व्यवस्था यही है कि उस त्याग पत्र को स्वीकार किया जाता है। इसमें अदालतों के भी मामले आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब कोई विधायक अपने पद से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर त्याग पत्र देता है तो उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में अपनी संभावित हार को देखकर इतनी बौखला गई है, इतनी निरुत्साहित हो गई है कि वो 3 और उपचुनाव फेस करने की स्थिति में नहीं। वो जानते हैं लोकसभा की चारों सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो 6 उपचुनाव घोषित हो चुके हैं वो 6 के 6 भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, और अगर ये 3 भी साथ हो गए, ये भी जीत गए, तो फिर तो उनकी सरकार ही अस्तित्व में नहीं रहेगी। इस संभावित खतरे से घबरा कर, डर कर, वो जो है इस त्याग पत्र को स्वीकार नहीं होने देना चाहते, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है कि 3 आजाद विधायकों को अपने इस्तीफे स्वीकार करने के लिए धरना देना पड़ रहा है। ये इतिहास की शायद ऐसी पहली घटना है, और हिमाचल प्रदेश में घट रही है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, परंतु हमारा संविधान सर्वोपरि है, संविधान के अनुसार ही सरकारों को काम करना चाहिए, और ये लोकतंत्र भी तभी जिंदा रहेगा जब लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता की जाएगी, उनके अनुसार काम किया जाएगा। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेता ना संविधान की चिंता करते हैं, ना लोकतंत्र की चिंता करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है, और इनके इस रवैये को लेकर और अन्य सभी जो इस सुक्खू सरकार के 1 साल के जनविरोधी फैसले हैं, चाहे वो 1,000 से अधिक संस्थानों को डीनोटिफाई करने की बात हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में स्टैंप ड्यूटी और अन्य फीसों की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वो डीजल के दाम के बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मंदिर दर्शन के लिए लगे फीस की बात हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की बात हो, और चाहे वो गारंटियों के नाम पर महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों को गुमराह करने की बात हो, इन सब को मुद्दा बनाएगी और मोदी सरकार की उपलब्धियां और देश हित जनहित में किए गए कामों के आधार पर हम आने वाले 1 जून को जो चुनाव होंगे उसमें चारों लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे, और जो 6 चुनाव हो रहे हैं और अगर उस तक 9 चुनाव हुए तो सब में विजय हासिल करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। जी, ये जो आप एक बात कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के और भी विधायक भाजपा में आ सकते हैं, ये बात कहने के लिए बात है या फिर संपर्क हो चुका है? देखिए,
पहले भी कई बार बात आई है, संपर्क तो है ही है, संपर्क तो सबसे होता है और संपर्क रहता भी है, परंतु जो हालात बने हैं, जो कांग्रेस पार्टी की इस सरकार ने एक साल में प्रदेश के अंदर हालात पैदा किए हैं, जिनके कारण जनता तो जो है वो आक्रोशित थी ही, जनता तो परेशान थी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी दुखी हुए, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी निराश हुए, परेशान हुए, और इसके कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं और उनकी संख्या जो आए हैं उनसे कहीं ज्यादा है। कब तक ज्वाइन होंगे सर? ये चीजें तो भविष्य में नजर आएंगी और जब होगी तो सबसे पहले आपको ही पता लगेगा। सर कांग्रेस से तो लोग आ रहे हैं लेकिन अपने जो रूस है उनको बनाने का भी है कुछ कार्यक्रम, जो विधानसभा चुनावों में बागी होकर लड़े थे या पार्टी के खिलाफ गए थे या फिर उसके पहले बार में। देखिए भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व उन सभी कार्यकर्ताओं से, पूर्व विधायकों से संपर्क कर रहा है जो लगता है कि हमारे इन 6 विधायकों को टिकट देने से नाराज है, रुष्ट है, और हर दिन हमें सफलता मिल रही है, जिसको हम संपर्क कर रहे हैं वो पार्टी हित में काम करने का वायदा कर रहा है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सभी रुष्ट कार्यकर्ता नेता समय के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनको कमल के फूल का निशान मिला है उन सभी को जिताने का काम करेंगे। सभी का धन्यवाद आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।